नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। खरगोन जिले की कसरावद में स्थित वैरिड ग्लोबल कंपनी के श्रमिकों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हड़ताल शुरू कर दी है। श्रमिकों का आरोप है कि पिछले दो महीनों से उनकी सैलरी नहीं मिली है और हर साल दिवाली पर मिलने वाला बोनस भी कंपनी द्वारा उनको नहीं दिया गया। उसी बात से नाराज होकर कंपनी के कर्मचारियों ने गेट पर हड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक भीलगांव स्थित वैरिड ग्लोबल कंपनी के श्रमिक पिछले दो माह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कंपनी द्वारा दिवाली बोनस और वेतन नहीं दिया गया, जिसके चलते श्रमिकों ने शनिवार सुबह कंपनी के मुख्य गेट पर हड़ताल कर काम करने से इनकार कर दिया। श्रमिकों ने बताया कि कंपनी प्रबंधन ने श्रमिकों को ना तो दिवाली पर बोनस दिया और ना ही दो माह से वेतन दिया है, जिससे वे आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। मजबूरन आज हड़ताल करनी पड़ी, जबकि प्रबंधन श्रमिकों को बोनस देने की सफाई देते हुए जल्द ही वेतन भी भुगतान करने की बात कह रहा है। तीन महीने से हमारा पेमेंट नहीं हुआ है और दीपावली का बोनस नहीं मिला है और जो पार्ट टाइम जॉब हम जो 12 घंटे कर रहे हैं उसका ओवर टाइम भी बाकी है हमारा और वो डेली मिल नहीं रहा है और प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि बोनस हमारा टाइम से मिल जाए, पेमेंट भी मिल जाए हमारा, तो हम कंपनी चालू कर सकते हैं, इसलिए हमारी कंपनी की बात है। पूरा मामला ये है कि मैनेजमेंट हमसे पेमेंट और बोनस टाइम से नहीं दे पा रहा है। पिछली बार जो बात हुई थी 29 तारीख की कि बोनस 29 तारीख को मिलेगा हमको, 30 तारीख तक की बात हुई थी पेमेंट और बोनस की, वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है और मैनेजमेंट बार बार झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। अच्छा सर, ये जो आज श्रमिक जो यहाँ पर बोनस और वेतन की मांग को लेकर जिन्होंने काम बंद किया है, इस संबंध में आप क्या बताएंगे? ये मतलब जो बोनस की बात हुई थी, बोनस 30 तारीख को कल पड़ गया है। बस ये है कि HDFC के थ्रू ट्रांसफर हुआ था SBI में, लेकिन वो SBI में मतलब लेट अभी ट्रांसफर हुआ, मॉर्निंग में मतलब सबके अकाउंट में आना चालू हो गया है। वो ऑलरेडी कल ही 4 बजे ट्रांसफर हो गया है।